बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हम इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि बांका इंतेसा सन पौला की अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। बांका इंतेसा सन पौला इटली का सबसे बड़ा बैंक है। इसमें आपने अकाउंट खोलना है या आपका इसमें ऑलरेडी अकाउंट है तो इसमें आपने कोई अपना कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह अप्लाई करना है, या आपके कोई ऐसे इशू हैं, आपने अपनी ब्रांच ट्रांसफ़र करानी है, या आपके एटीएम कार्ड के साथ कोई मसला है, या आपके नेट बैंकिंग में कोई मसला आ रहा है, आपकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं जा रही और आपको बैंक जाने की ज़रूरत है, तो आजकल बैंक में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो अपॉइंटमेंट कैसे लेती हैं, यह वीडियो ख़ास तौर पे हम अपने दोस्त अदनान साहब के लिए, उन्होंने खसूसी तौर पर मुझे कहा कि आप वो बताएँ कि किस तरह अपॉइंटमेंट लेते हैं। और इस तरह दूसरे दोस्त अहबाब जिनका इसी तरह के मसले हैं बांका इंतेज़ा सान पौला में, उनके लिए अपॉइंटमेंट के तरीक़ाकार कैसे होता है, वो ये वीडियो गौर से देखें। तो सबसे पहले आप चलेंगे गूगल में, गूगल में आपने लिख देना है बांका इंतेजा पुंतो मिंतो। बांका इंतेजा लिख दें या बांका इंतेजा पुंतो मिंतो लिख दें। अगर आप पुंतो मिंतो लिखेंगे तो ये डायरेक्ट उधर ही पहुंच जाएगा और आपको बड़ी आसानी से वही पेज पे पहुंच जाएंगे जहां आप ढूंढ के पहुंचना था आपको। ये पहले ही ऊपर आप देखें लिखा है परिंदी पुंतो मिंतो इंतेजा सन पौला, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले जो है ना, आपने अब कौन सी ब्रांच की अपॉइंटमेंट लेनी है, क्योंकि आप जिस शहर में हैं, आपके शहर में अगर बांका इंतेज़ा की ज़्यादा ब्रांचें हैं तो आपके नज़दीक वाली कौन सी है, या आपके जिसमें ऑलरेडी आपका अकाउंट है तो आपने उसी ब्रांच की अपॉइंटमेंट लेनी है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आपको शहर का नाम लिख देंगे और यहाँ नवारा का लिख देते हैं हम, तो ये आप इसको सर्च के बटन में जब दबाएंगे तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये ब्रांच है, ठीक है। तो नवारा में वो छह ब्रांचे शो कर रहा था, ऊपर सिक्स लिखा हुआ था। आपने ये ढूंढ लेनी है कि इसकी कौन सी ब्रांच में हम अपने जाना है। फर्ज करें हमने इस ब्रांच में जाना है तो वो अब आपको इस ब्रांच का ऊपर एड्रेस भी बता रहा है कि इस ब्रांच का एड्रेस यही है। अगर आपका मुतलका एड्रेस यही है ठीक है, नहीं तो फिर पीछे जाएं और वहाँ से दूसरे को चेक करें जो आपकी मुतलका ब्रांच है उसका। इसने वहाँ पे एड्रेस भी लिख दिया है, फ़ोन नंबर भी लिख दिया है और इसके टाइम टेबल भी लिख दिया है कि कब से कब तक ये खुला होता है और किस दरमियान में वक्फ़ा कितना होता है। तो ये वाली ब्रांच है ये 8:30 बजे खुलती है और 1:30 बजे तक है, फिर इसमें वक्फ़ा है, 2:45 बजे खुलेगी और 4:15 बजे बंद हो जाएगी। अब यहाँ हमने ऊपर इसको कर देना है, जब ऊपर कर देना है ये एंड पे इसमें लिखा है परिंदी पुंतो मिंतो, आपने इस पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ अब आपने अपना जो है ना, ये फॉर्म एक खुल गया है, इसमें लिखा है आपने अपना डेटा इसमें फिल करना है और ये बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें हैं, नोमे को नोमे, फ़ोन नंबर, ईमेल और कोडिफिस कॉल है। अब आपने यहाँ पे ये आपने फिल कर लेना है। कोडिफिस कॉल नंबर आपने लिखना होता और यहाँ पे ऊपर आपने अब लिखा है नो सोनो रोबोत के, अब रोबोत नहीं है इसमें, इस बॉक्स में आपने क्लिक कर देना। अब ये नीचे आपसे वजह पूछ रहा है कि आपने अपॉइंटमेंट क्यों लेनी है, तो यहाँ से नीचे आपने सिलेक्ट होने में जाना है। आपके ये 3-4 मसले जो भी हो सकते हैं, कौन सी करंती है करते हैं, इन्वेस्टमेंटी है, एक्सक्रिसियोन है, प्रविडेंस है, फिनाजमेंट है, आपने अगर इनमें से कोई है, अगर इनमें से नहीं है तो अल्ट्रो लिखना पड़ेगा। अल्ट्रो लिख के फिर नीचे उसको डिटेल बतानी पड़ेगी हम आपके, क्योंकि ज़्यादातर हमारा कौन तो कुरंते और कारते होता है, तो इसमें हम आप क्लिक कर देंगे।
इसी कार्ते में आपका जो आपने कोई उनसे लोन लेना है तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगा। अब ये नीचे अपॉइंटमेंटें शो हो रही हैं, आपने ऊपर डाटा फिल कर दिया, ऊपर ईमेल लिख ली, ये इसका आपने मकसद बता दिया कि आप अपॉइंटमेंट क्यों ले रहे हैं। अब ये 22 तारीख है, आज आज की डेट में इसके पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, तो बेहतर यही है कि एक दिन पहले आप इसकी अपॉइंटमेंट ले लिया करें। अब 22 के बजाय हम ये 23 में जाएंगे, तो 23 में भी इस ब्रांच की कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। जिस मुकाम आप ब्रांच में ज़्यादा क्लाइंट हो वहाँ पे अपॉइंटमेंट ज़रा मुश्किल से मिलेगी। इस ब्रांच की अपॉइंटमेंट नहीं शो हो रही। ब्रांच बदली कर लिया है, ये देखना आ रही है इसकी अपॉइंटमेंट आज की मिल रही है, ये 22 की डेट है। आप यहाँ 10:30 बजे, ये डार्क है ज़रा, इस पर आप 10:30 बजे लेना चाह रहे हैं, 11 बजे लेना चाह रहे हैं, या आप दूसरे डेट की लेना चाह रहे हैं। दूसरी डेट की नहीं शो हो रही, तो इसने आज की शो करनी है, तो वो आप आज की इससे अपॉइंटमेंट ले लें। आज फ़र्ज़ करें ये शाम को हम 3:30 बजे की इसकी अपॉइंटमेंट रखते हैं। अब ये 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट आज की डेट में ये हमारी अपॉइंटमेंट इसके साथ होगी। अगर ये हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे कन्फर्मों का बटन कंटिन्यू तो करेंगे, तो ये इस पे ये कन्फर्म कर देगा, और इस तरह ये आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। वो पहली ब्रांच जो हमने की थी, कई ब्रांच की होती है कि उनकी अपॉइंटमेंट नहीं रखी, हो सकता है वो उनकी अपॉइंटमेंट ख़त्म ही हो गई हो, कई ब्रांच में अब ऐसा भी होना शुरू हो गया,
जिन ब्रांचों में अपॉइंटमेंट लेना अभी तक जाना पड़ता है, तो वो आप इस तरह अपने अपॉइंटमेंट अपने ले लेंगे। अगर जब कंटिन्यू करते हैं तो अभी आपसे पूछ रहा है वो, देखिए अब उन्होंने यहाँ पे आपके पास एक ईमेल में कोड नंबर भेजा है। वो कोड नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, या वो कोड नंबर आप यहाँ पे लिख लेंगे तो फिर ये आपकी अपॉइंटमेंट यहाँ पे फाइनल हो जाएगी। ये हम अपना कोड नंबर इसमें देख लेते हैं। सन फॉलो किया आया हुआ है ये सबसे ऊपर, और ये आपका कोड है 24 14 25, ये आपने यहाँ पे लगा देना। अब 24 14 25 लगा देंगे आप अपने, आप कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपके अपॉइंटमेंट आप फाइनल हो गई है। सतातो पंतमंतो सतातो कन्फर्मातो आज की डेट लिखी है, और ये आपका अपॉइंटमेंट आपकी बैंक की ब्रांच लिखी है। तो दोस्तों ये आपको आज पता चल गया कि आप बैंक कांते से सन पोलो के अपॉइंटमेंट आप किस तरह ले सकते हैं। इसी तरह आपको मज़ीद कोई मालूमात है, किसी ऑफिस का कोई मसला है और कोई आप समझना चाह रहे हैं, तो वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप इसी कमेंट सेक्शन में रब्ता करना है या मेरे पर्सनल नंबर पे कर लें। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही होता है कि आप लोग जो अपने एक आपको एक उठानी तकलीफ़ उठानी पड़ती है जो मालूमात न होने की वजह से, या आप किसी को आप पैसे दे रहे होते हैं, कोई आपसे पैसे बटोर रहा है इनकमों के लिए, तो वो आपके पैसे बच जाएँ और वो आपका काम आसानी से और टेंशन लेस हो जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।